हेलो हाय कबीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज. फोन किया था, यू वांटेड टू इंक्वायर अबाउट समथिंग. एक्चुअली आई वांटेड टू इंक्वायर अबाउट द फी स्ट्रक्चर. एक सेमेस्टर का ब्रेकडाउन लेना चाह कबीर रहा था मैं. कबीर कबीर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साइड से. कैन यू प्लीज कॉल अस बैक. जी बिल्कुल, अभी करता हूँ. थैंक यू, थैंक यू. हेलो, एक मैडम का फोन आया था मुझे अभी इस नंबर से. सर वो तो चले गए हैं अभी, कॉलेज का चौकीदार बोल रहा हूँ. कुछ काम है तो बोलिए. नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने कोर्स और फीस के बारे में पूछना सर था. हम बता देते हैं, कोर्स का पूछना चाह रहे हैं आप? फैकल्टी के बारे में पूछना था. हाँ तो सर, फैकल्टी हमारे इस कॉलेज का बहुत अच्छा है. अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी है. मैकेनिकल का तो बहुत अच्छा है. अभी मैकेनिकल के 3 फाइनल स्टूडेंट निकले हैं, सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो. ओवरऑल कॉलेज कैसा है सर? ओवरऑल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब इसकी तो श्योरिटी दे सकते हैं. सर मैं मैडम से ही बात कर लूंगा डायरेक्ट. एक्चुअली मैं 2 कॉलेज के लिए कंफ्यूज हो रहा था सर. मैं हम माइंड मत करिए, हम चौकीदार हैं तो क्या हुआ. सर कौन कौन से कॉलेज में आप कंफ्यूज हैं अभी? मैं सोच रहा था ना कॉलेज और डी यूनिवर्सिटी के. कंपैरिजन भी ठीक नहीं किया है सर, ये बेस्ट है हमारा कॉलेज. आप कौन बोल रहे हैं? सर हम कॉलेज का चौकीदार हूँ. इतना कैसे बताया कि कॉलेज इतना ही अच्छा है? सर क्योंकि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ. ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे हम बोल रहे हैं, हम इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ. और हम ही नहीं, ये भी किए हैं. संतोष, संतोष आ रहे हैं, ये कंटीन में बैठते हैं, रुके. हाँ सर, संतोष बोल रहे हैं, हम भी इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ. सर आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, वो घंटा बजाते हैं. चंदू काका उनको बुला के पूछते हैं, चंदू काका इनकी बातों में मत आओ बेटे, मैंने भी यहाँ से करी है इंजीनियरिंग, यहीं लोड में से. अब आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं भाई? हेलो कपिल जी, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो कपिल जी. कहाँ से बोल रहे हैं जी? कपिल क्या? जी मैं गोविंद ओल्ड एज हाउस से बोल रहा हूँ. सर यहाँ पे ड्रॉ होता है एंड आई एम सो हैप्पी. आपका 52 इंच कलर टीवी निकला है, LED सर. तो मैं आपको आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे 9 लोगों ने आपको नॉमिनेट किया था. आई डोंट नो आपका नंबर कहाँ से मिल गया उनको और नाम कहाँ से मिल गया, लेकिन आपको नॉमिनेट किया था. सर आपका 52 इंच का कलर टीवी निकला है सर, मुबारक हो सर. तो ये मेरा नाम किसने किया था? कोई 9 लोग हैं, इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया. आर यू हैप्पी सर? 52 इंच कलर टेलीविजन, आप मार्केट में रेट पूछो पहले उसका. सर बिल्कुल सही सही बताइए कपिल जी, कैसा लग रहा है इस बार मेरे को? बिल्कुल सही सही. सर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एकदम से कोई कहते हैं जो सडनली, मैं तो 52 इंच के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था. अरे 52 इंच मतलब अच्छा लग रहा है तो अपने आप में, जिसे कहते हैं फूला नहीं समा रहा हूं. नहीं नहीं मैं तो ये सोच रहा हूं, आपका तो टीवी निकला है, मैं सोच रहा हूं जिसकी कार निकली है जी उस पे क्या बीत रही होगी. वो तो सर मुझसे भी ज्यादा खुश होगा. मैं ये कह रहा हूँ उस पे क्या बीत रही होगी ये सोचिए. मतलब समझा नहीं सर, क्या वो हार्ट अटैक हो गया होगा तो उसे? अरे नहीं 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 नहीं, उसे सुन के मतलब क्या बीत रही होगी उसको. कार आप जो है तो जो है मिली रही है उसे कार, उसे उसे नहीं क्या बात. नहीं नहीं नहीं, मिल थोड़ी रही है उसे. हाँ जी उसे मिल थोड़ी रही है. तो कार नहीं है ड्रॉ में? नहीं नहीं कार तो निकली है ड्रॉ में उसकी, लेकिन वो देगा हमारे ओल्ड एज होम को ना, मतलब उसकी कार जो निकली है ड्रॉ में, उनको नॉमिनेट किया था 11 लोगों ने कि भाई इनसे कार लो. मतलब ये आप तो कर टीवी निकला है. हाँ तो आपका निकला है टीवी, लेकिन आपको नॉमिनेट किया है कि आप ही दे सकते हैं, आप ही देंगे टीवी हमारे ओल्ड एज होम को ना. इसमें अभी स्कीम ये भी है कि आप टीवी तो देंगे ही देंगे, सेट टॉप बॉक्स भी आप ही लगवा रहे हैं. ये कुछ ये दिसंबर तक है सर सिर्फ. ऐसा ना हमारे घर में भी जो है ना वीकली होता है. अच्छा उसमें तेरा हेलीकॉप्टर निकला है, आप तो दे दे.